Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning English grammar by Brain Root series. And here is a book, Grammar Glitter Odyssey. And this is book 2. So today we will start chapter number 4. And the name of the chapter is capital letters, full stops and question marks. So, in the previous chapter, we have learned something, some new things, and related to that, we will learn here also. So, these capital letters, full stop, and question marks are called punctuation mark. In sabko hum punctuation mark kehte hain. So, what are punctuation marks? Punctuation marks are different signs. Alag alag tarike ke sign hote hain. Which we use to make the meaning of sentence clear. जैसे use किया जाता है किसी भी sentence के meaning को clear करने के लिए. The punctuation marks are कौन कौन से punctuation mark है? पहला है capital letter. हमने पढ़ा था ना first chapter में जब हम vowels और consonant के बारे में पढ़ रहे थे तो capital letters एक punctuation mark. Full stop. कोई भी सेंटेंस खत्म होने के बाद एक फुल स्टॉप लगाते हैं. दिस इज अ फुल स्टॉप. नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क्स. तो किसी भी सेंटेंस मींस अगर किसी से कुछ पूछा जा रहा है तो उस पूछने के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. सो दीज आर द पंक्चुएशन मार्क्स. पंक्चुएशन मार्क्स मेक द लैंग्वेज इम्प्रेसिव. लैंग्वेज को बहुत ज्यादा अच्छा इम्प्रेसिव बनाते हैं ये. Proper nouns always start with capital letters. जो proper noun है वो हमेशा capital letters से ही शुरू होते हैं. Capital letters. A sentence always begins with capital letter. Sentence को जब भी शुरू करना है तो capital letters से ही start करना है. Example है the and I. So the first one is the Taj Mahal is in Agra. तो अभी हमने पढ़ा फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए, वो तो हमने चलो यहाँ कर दिया. अब इसके बाद ताजमहल जो कि एक मॉन्यूमेंट का नाम है, एक बिल्डिंग का नाम है, जो कि एक प्रॉपर नाउन है, तो ताजमहल का टी और महल का एम दोनों ही कैपिटल करेंगे. इसके बाद आगरा का ए कैपिटल होगा क्योंकि आगरा एक सिटी का नाम है. सेकेंड वन आई मेट सचिन तेंदुलकर. आई क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आई शुड बी कैपिटल. और सचिन तेंदुलकर एक पर्सन का नाम है जो बहुत फेमस है, जो कि एक प्रॉपर नाउन है, तो सचिन का एस तेंदुलकर का टी कैपिटल लिखना है. नेक्स्ट इज फुल स्टॉप. अ फुल स्टॉप इज यूज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. फुल स्टॉप हमेशा सेंटेंस खत्म होने के बाद लगाया जाता है. दैट इंडिकेट्स दैट द इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट. फुल स्टॉप का क्या मतलब है कि जो बात कही जा रही थी वो पूरी हो चुकी है. शी इज वर्किंग हार्ड. वो मेहनत कर रही है बहुत ज्यादा. काम जो कर रही है बहुत मेहनत से कर रही है. तो इसके बाद आप देखो यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसका मतलब सेंटेंस पूरा हो चुका है. बर्ड्स आर ब्यूटिफुल क्रिएचर्स. बर्ड्स जो है बहुत ही ब्यूटिफुल क्रिएचर्स हैं. तो आप क्रिएचर्स के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप है. नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन मार्क. A question mark is used at the end of interrogative sentence. Question mark हमेशा interrogative sentence के बाद लगाया जाता है. Interrogative sentence क्या होते हैं? जो question पूछते हैं ऐसे sentences को interrogative sentence कहते हैं. And the examples are where do you live? तुम कहाँ रहते हो? और इसको पूछने के बाद आपने क्या लगा दिया? Question mark, ताकि पता चल सके कि आप question पूछ रहे हैं. How are you? तुम कैसे हो? तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्वेश्चन पूछने के बाद हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क. Now let's do this exercise, the first exercise of this chapter, which is a exercise. Rewrite the sentences using capital letters, full stops and question marks at suitable places. हमें क्या करना है? सेंटेंसेस को लिखना है कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क लगा के. तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. आई लिव क्लोज टू द रेलवे स्टेशन. तो क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आई से तो आई को हम कर देंगे कैपिटल. सो आई लिव
close to the railway station और यहाँ पे लगा देंगे full stop, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक sentence को complete कर रहा है. सेकेंड वन इज सोनी लाइक्स टू कुक एंड पेंट. सोनी को कुकिंग करना और पेंटिंग करना अच्छा लगता है, तो क्योंकि सेंटेंस एस से शुरू हो रहा है तो एस ओ एन आई का एस कैपिटल हो जाएगा और पेंट के बाद लगेगा एक फुल स्टॉप. नेक्स्ट इज डू यू नो अरुण, क्या तुम अरुण को जानते हो? मैंने आपसे जब ये बोला तो आप कहोगे हाँ जानता हूँ या नहीं जानता हूँ. तो आपने क्या किया, मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई किया. तो मैंने क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन. तो डू का डी कैपिटल बनाएंगे क्योंकि अरुण की बात हो रही है, अरुण एक प्रॉपर नाउन है तो अरुण का ए कैपिटल करेंगे एंड लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क. सो डू यू नो अरुण, क्या तुम अरुण को जानते हो? नेक्स्ट फोर्थ वन इज द गार्ड्स रन आफ्टर मिस्टर ब्लैकी. गार्ड जो है मिस्टर ब्लैकी के पीछे भाग रहे हैं, तो दो गार्ड्स का टी कैपिटल करेंगे, ठीक है. एंड द गार्ड्स रन आफ्टर, अब क्योंकि मिस्टर ब्लैकी एक नाम है तो मिस्टर का एन कैपिटल बनाएंगे एंड ब्लैकी का बी कैपिटल बनाएंगे एंड देन फुल स्टॉप लगाएंगे. क्लियर? नाउ फिफ्थ वन, हु इज योर फ्रेंड्स टीचर. तो आपसे आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो हु का डब्ल्यू कैपिटल होगा. हु इज योर फ्रेंच टीचर, तो फ्रेंच का, फ्रेंच एक लैंग्वेज है तो फ्रेंच का एफ कैपिटल एंड टीचर एंड देन क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट ही वेंट टू न्यू दिल्ली, सो ही का एच कैपिटल, वेंट टू न्यू का एन कैपिटल एंड दिल्ली का डी कैपिटल. ही वेंट टू न्यू दिल्ली फुल स्टॉप, क्योंकि एक सेंटेंस है. नेक्स्ट है दिस इज द नेस्ट ऑफ मिस्टर स्नेक. ये जो नेस्ट है किसका है, मिस्टर स्नेक का, देख रहे हो ना मिस्टर स्नेक को. So, क्या लिखेंगे, दिस का टी कैपिटल, फिर इज द नेस्ट ऑफ, अब क्योंकि मिस्टर स्नेक की बात हो रही है तो मिस्टर का एम कैपिटल हो जाएगा और स्नेक का एस कैपिटल हो जाएगा एंड फुल स्टॉप. नेक्स्ट वन, डिड यू सी महिमा समवेयर, तो क्या हम लिखेंगे, डिड का डी कैपिटल, डिड यू सी, क्योंकि महिमा एक प्रॉपर नेम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम कैपिटल, एम ए एच आई एम ए महिमा एंड सम वेयर. एंड क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क. लास्ट वन टेंथ वन, वेयर आर रिया एंड सिया, तो वेयर का डब्ल्यू कैपिटल, रिया का आर कैपिटल एंड सिया का एस कैपिटल, और क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो लास्ट में लगेगा एक क्वेश्चन मार्क. आई होप इट्स क्लियर टू यू चिल्ड्रन. सो ऐसे ही हमें इन पंक्चुएशन मार्क्स को यूज करना है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बी एक्सरसाइज. ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बिलो कंटेन्स अ रॉन्ग पंक्चुएशन मार्क, यहाँ पे जो सेंटेंस है उसमें जो पंक्चुएशन मार्क है वो गलत लगी हुई. राइट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क इन द गिवन बॉक्स, इस बॉक्स में आपको सही पंक्चुएशन मार्क लिखना है नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस के बाद. तो फर्स्ट वन इज द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, लायन जो है फॉरेस्ट का किंग है. तो क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्या ये गलत है या सही है? रॉन्ग, यहाँ पे हम लगाएंगे फुल स्टॉप. नेक्स्ट प्लीज गिव मी योर फोन नंबर, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम किसी से कुछ मांग रहे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या यहाँ लगेगा, नो हम लगाएंगे फुल स्टॉप. राम इज ऑनेस्ट फेथफुल एंड हार्ड वर्किंग, राम ऑनेस्ट भी है फेथफुल भी और हार्ड वर्किंग भी है,
यहाँ पे भी ये एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगेगा, क्या लगेगा? फुल स्टॉप. फोर्थ वन, वेयर आर यू गोइंग, क्या लगा हुआ है? फुल स्टॉप. पर हम तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क. द डॉग्स बार एट. फिफ्थ वन, व्हेन डज शी कम बैक, कब वो वापस आएगी? तो क्या ये लगेगा यहाँ पे कॉमा? नो. क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क, कि वो कब वापस आएगी? डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, डॉग्स जो स्ट्रेंजर्स पे बात करते हैं, यहाँ क्या लगेगा? फुल स्टॉप. डिसेंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. डिसेंबर क्या है? मंथ है. कौन सा मंथ है? लास्ट मंथ है साल का. तो क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है? नो. क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप. हु डेकोरेटेड द स्टेज, स्टेज की डेकोरेशन किसने की है? तो क्या हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं? यस. तो हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क. सो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सी पार्ट. रीड द सेंटेंसेस, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन एंड कलर द सर्कल. सर्कल को कलर करना है, बताना है कौन सा पंक्चुएशन सही है. तो चलिए हम जल्दी से एक कलर पिक कर लेते हैं. तो हमने येलो कलर चूज किया है. सो आई हैव टू डॉग्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा या फिर क्वेश्चन मार्क आएगा? तो आएगा यहाँ पे फुल स्टॉप. तो हम इस सर्कल को कलर करेंगे. डू यू लाइक डॉग्स, क्या तुम्हें डॉग्स अच्छे लगते हैं? तो क्या है ये? क्वेश्चन है या सेंटेंस है? क्वेश्चन है. तो जल्दी से इस सर्कल को कलर कर देते हैं. नेक्स्ट, यू आर अमेजिंग, तुम अमेजिंग हो, क्या आएगा? फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क? फुल स्टॉप. नेक्स्ट, कैन आई प्ले नाउ, क्या मैं अभी खेल सकता हूं? तो क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है या सेंटेंस है? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है. तो जल्दी से क्वेश्चन को हम सर्कल कर देते हैं. नेक्स्ट, क्लोज द डोर, डोर को बंद कर दो. तो क्या ये सेंटेंस है या क्वेश्चन पूछ रहा है? सेंटेंस है. एंड द सिक्स वन इज, कैन यू सी अ रेनबो, क्या तुम्हें एक रेनबो दिखाई दे रहा है? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो जल्दी से हम क्वेश्चन मार्क को सर्कल कर देते हैं. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स लर्न नेमिंग वर्ड्स. लुक एट द स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो कितने सारे लेटर्स हैं. देयर आर सम नेमिंग वर्ड्स हिडन इन इट, इनमें कुछ नेमिंग वर्ड्स छुपे हुए हैं. सर्कल द वर्ड, राइट देम इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट पिक्चर. पिक्चर को देखना है और फिर हमें उस वर्ड को इसमें से ढूंढना है और यहाँ लिखना है. तो फर्स्ट पिक्चर किसकी है? टॉर्च की. कब जलाते हैं? अंधेरे में. एंड द स्पेलिंग ऑफ टॉर्च इज TORCH, टॉर्च. सो लेट्स राइट इट. नेक्स्ट, नेक्स्ट पिक्चर किसकी है? गोरिल्ला की. कहाँ है गोरिल्ला? यहाँ पे GORILLA, गोरिल्ला. लेट्स राइट इट. नेक्स्ट पिक्चर, गिटार. So, where is guitar? Here it is. So, it is GUITAR, guitar. Next picture किसकी है? Violin की. कहाँ है violin? Here it is. So, let's write VILION, violin. Spelling of violin is VIOLIN, violin. नेक्स्ट पिक्चर किसकी है? बस. तो कहाँ है बस? हियर इट इज. लेट्स राइट BUS, बस. और लास्ट है याक, YAK, याक. सो वी हैव डन इट वेरी वेल. नाउ अ कॉमन नेम बिगिंस विद अ स्मॉल लेटर. जो कॉमन नेम्स हैं वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं. स्पेशल नेम्स ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर. स्पेशल नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. एंड ऑल नेम्स आर नाउन. जितने भी नेम्स हैं वो सारे क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं. सो
let's complete this. Complete the sentences with suitable naming words. Tia is brushing her teeth in the dash. Tia अपने teeth को brush करे कहाँ पे? Sweater, bathroom, clothes, burger, rain. So what will come here? Bathroom. Next, second one. Nayan is walking in the. Nayan कहाँ पे चल रहा है? So Nayan is walking in the rain. बारिश में चल रहा है. Summer is eating a. Summer क्या खा रहा है? Burger. Now let's move on to fourth one. Shivam is dressed in warm clothes. And Granny is knitting a sweater. तो Granny क्या बना रही है? गरम गरम स्वेटर बना रही है. सो दीज आर द एक्सरसाइजेस चिल्ड्रेन. आई होप यू अंडरस्टूड इट. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. आई थिंक दैट यू हैव लर्न दीज पंक्चुएशन मार्क्स एंड यू विल प्रैक्टिस देम. आई विल बी मीटिंग यू सून विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन स्टे ट्यून्ड.